हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेलकम किट की। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आप भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच में जाकर सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपके घर पर SBI की ये वेलकम किट कितने दिन में पहुंच जाती है और इस वेलकम किट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। हमने फ्राइडे को SBI की ब्रांच में जाकर सेविंग अकाउंट ओपन कराया था, जिसकी वेलकम किट 7 दिन के अंदर ही हमारे घर पर हमें मिल गई, क्योंकि इस वेलकम किट को बाय पोस्ट आपके घर पर भेजा जाता है, इसलिए हो सकता है कि आपके घर पर इस किट को पहुंचने में 10 से 12 दिन का समय भी लग जाए। अब यहां पर आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि केवल आपके घर पर डेबिट कार्ड और चेकबुक ही भेजी जाती है, पासबुक के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना होता है। अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी SBI सेविंग अकाउंट की पासबुक। इस पासबुक को लेने के बाद आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इस पासबुक को लेते हैं तो अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटो इस पासबुक के फ्रंट पेज पर चिपकाने के बाद उस पर स्टैंप जरूर लगवा लें, ताकि जब भी आप अपनी पासबुक को प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए यूज करें तो उसे आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो चलिए जल्दी से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें SBI की तरफ से अकाउंट ओपन कराने के बाद कौन सा डेबिट कार्ड घर पर मिलता है। इसे ओपन करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि 4 चीजें दी गई हैं, एक लेटर, बुक, डेबिट कार्ड और कवर। सबसे पहले देख सकते हैं कि इसमें मिला है हमें SBI की तरफ से एक लेटर और ये है डेबिट कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए एक कवर। इसमें एक तरफ इनहेंस सिक्योरिटी कार्ड का उपयोग करने की जानकारी दी गई है और नीचे आपको बताया गया है कि इसे सक्रिय करने के लिए आप योनो ऐप, योनो लाइट, INB, IBR, ATM का उपयोग करें या फिर SBI की ब्रांच में जाएं। और इसकी दूसरी तरफ आपको बताया गया है कि आप अपने कार्ड को ब्लॉक कैसे करें, क्योंकि मान लीजिए यदि आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर आप किसी अन्य कारण से अपने कार्ड को तुरंत ब्लॉक करना चाहते हैं तो कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बैंक के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा SMS में ब्लॉक टाइप करें, स्पेस दें, उसके बाद डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर टाइप करें और 567676 पर सेंड कर दें। इसके नीचे आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने कार्ड को किसी को ना सौंपें और अपना पिन और कार्ड की डिटेल्स किसी भी थर्ड पर्सन को ना बताएं। और यदि आपको अपने कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर 7 दिन 24 घंटे कभी भी भारत से और विदेश से कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मिलती है आपको ये एक बुक, जिसमें आपको आपके SBI डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी हिंदी और इंग्लिश में दी गई है। यहाँ आप अपने SBI कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड के बारे में इंग्लिश में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस तरफ आपको हिंदी में आपके SBI कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा इसमें एक लेटर मिलता है जिसके सबसे ऊपर अकाउंट होल्डर के घर का पूरा एड्रेस लिखा होता है और इस लेटर के बीच में SBI के हमारे डेबिट कार्ड को इस तरह से चिपकाया होता है। आप देख सकते हैं कि ये SBI का ग्लोबल रुपे डेबिट कार्ड है। इस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के ऊपर यहाँ SBI का लोगो लगा है, यहाँ पर ऊपर ग्लोबल लिखा है और यहाँ पर चिप दी गई है और यहाँ पर हमारे डेबिट कार्ड के 16 डिजिट के नंबर दिए गए हैं और इसके नीचे डेबिट कार्ड की वैलिड डेट दी गई है और इसके नीचे अकाउंट होल्डर का नाम भी यहाँ प्रिंट किया गया है और यहाँ पर आप रुपए डेबिट लिखा हुआ भी देख सकते हैं। क्योंकि ये डेबिट कार्ड NFC सपोर्टेड है, इसलिए यहाँ पर NFC का सिंबल भी दिया गया है। यदि आप नहीं जानते हैं कि NFC क्या होता है तो इस लेटर के अंदर आपको जानकारी दी गई है कि NFC का अर्थ है डेबिट कार्ड के संपर्क रहित टैप प्लस भुगतान सुविधा। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि आप कॉन्टेक्टलेस तरीके से किसी को भी इस कार्ड के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। अगर बात करें इस कार्ड के यूसेज की तो आपको बता दें कि जब भी आपको ये कार्ड मिलता है तो इस कार्ड के अंदर केवल डोमेस्टिक यूसेज की सुविधा ही इनेबल होती है, यानी कि जब आपको ये कार्ड मिलता है तो केवल आप इस कार्ड के द्वारा ATM से ट्रांजैक्शन और POS ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। और यदि आप इंटरनेशनल यूसेज, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन और कॉन्टेक्टलेस यानी कि NFC ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इसे इनेबल करने के लिए आपको योनो ऐप अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर उस ऐप में लॉगिन करना होगा, उसके बाद आप योनो ऐप के द्वारा इन सारी सर्विसेज को इनेबल कर सकते हैं। और यदि बात करें इस ग्लोबल डेबिट कार्ड के बैक साइड की तो इसके बैक साइड में आपको 3 डिजिट का CVV नंबर दिया गया है, जिसे आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब इस डेबिट कार्ड को टूटने फूटने से बचाने के लिए सुरक्षित इस कवर के अंदर आप इस तरह से इसे रख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस लेटर के ऊपर क्या लिखा होता है। तो इस लेटर के सबसे ऊपर तो अकाउंट होल्डर का पूरा एड्रेस लिखा होता है और इसके नीचे लिखा है कि प्रिय ग्राहक, हम पर भरोसा जताने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी आप इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में नीचे पढ़ सकते हैं और इसकी बैक साइड में डेबिट कार्ड पिन जनरेट करने के इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में तरीके बताए गए हैं। यानी कि यदि आप SBI ATM इंटरनेट बैंकिंग, SMS या फिर IBRS सर्विस के द्वारा अपने SBI डेबिट कार्ड की पिन जनरेट करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पर दी गई जानकारी के द्वारा आप जनरेट कर सकते हैं। और किसी भी अन्य सहायता के लिए यहाँ पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स में से आप किसी भी नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो आई होप
फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।